ये एक्चुअली है एग्जॉस्ट फैन, कल लेके आए थे, ये निकला है छोटा। हमने उसको बताया कि इसकी इतनी विड्थ है, इतनी लेंथ है, उसने बोला कि नहीं आप लगा लें फिट आएगा। बहुत ज़्यादा छोटा निकला है, तो ये चेंज करवाना है। इम्तियाज़ मार्ट के बिल्कुल साथ है और दूसरा इम्तियाज़ मार्ट में से कुछ शॉपिंग करनी है, और साथ में कल हमारी एक चीज़ रह गई थी सफ़ीर की मछलियाँ, तो सफ़ीर के लिए मछली लेनी है। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि हम जाएँगे 11:30, इस वक्त जो टाइम है वो हो रहे हैं 12:45, ऑलरेडी लेट है, तो और ज़्यादा लेट नहीं करते, तो फिर चलते हैं हम। सफ़ीर अहमद बाइक के ऊपर ही सो गए, बहुत तंग करता है यार, जब भी बाहर हम जाते हैं ना तो ऐसे ही बाइक पर सो जाता है। अच्छा तो वो वाला नहीं मिला इनके पास, साइज का नहीं है, तो फिर वापस करना पड़ा है, कहीं और से देखना पड़ेगा कहाँ से मिलता है, वहाँ से एडजस्ट करके लेंगे। ये है जी मिसाकुल मॉल, जब ये नया नया बना था सिर्फ इम्तियाज़ मॉल था, एक ही रूफ़ के नीचे हर तरह की चीज़ मिल जाती थी, और इसके साथ साथ देखें अब यहाँ पर हर किस्म का ब्रांड जो है ना वो आ गया, तो कुछ भी लेना हो तो यहाँ से आसानी से मिल जाता है। शूज़ जितने भी शूज़ के ब्रांड्स हैं वो हैं, गारमेंट्स के हैं, और आसानी के साथ हर तरह की शॉपिंग यहाँ से हो जाएगी। और कुछ खाना है तो मैकडोनल्ड भी है, KFC भी है। हमें चूँकि सिर्फ इम्तियाज़ जाना, तो हम वहाँ से रिलेटेड आइटम्स लेंगे और फिर हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। सफ़ीर यहाँ से पहले गिरी, इधर आप आगे आगे देखो, इधर इधर इस तरफ, इस तरफ ध्यान से आगे देख के, मोटरसाइकिल है बाजू बाजू। अब आपका मास्क नहीं उतरना चाहिए, ऐसे नहीं पकड़ देना, हाथ में पकड़ दे, थक गए तो पकड़ा दो मुझे। किधर जा रहे हो सफ़ीर आप, हैं कौन सी? हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, मगर इसमें एक ज़रूरी बताने वाली बात ये है, प्लास्टिक बैग जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं उन्होंने, पेपर बैग शुरू कर दिए हैं देने। अगर आपने ज़्यादा परचेजिंग करनी है तो आप घर से कोई बैग लेके आए जो प्लास्टिक का ना हो, ताकि आपको आसानी हो। अब हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो ये एडवाइस थी जो कि लाजमी देनी चाहिए, तो वो हमने दे दी। अब हम निकलते हैं। अच्छा तो हम इधर आए हैं पिज़्ज़े दी हट्टी। ये एक्चुअली बहुत ही मेरे ख्याल में अंडररेटेड जगह है, शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि ये किसी बाज़ार के अंदर है, या लोकेशन इसकी इस तरह की है, या ये जो छोटा एरिया है, सेटिंग अरेंजमेंट इसका कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, शायद इसीलिए मुझे ये लगता है ये अंडररेटेड है। मगर इसका जो जायका है और इसका जो मेयार है बहुत ही ज़बरदस्त है। हम जब भी इधर आते हैं तो हम ये खाते हैं क्रंची पास्ता, इनका जो पास्ता है वन ऑफ द बेस्ट पास्ता इन फैसलाबाद, ठीक है, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई, बहुत मज़े का होता है इनका। वैसे और भी बड़ी जगहों से खाया है, मगर जो इनका टेस्ट है ना वो सबसे मुनफरद है यार। ये पीछे से शोर क्या करो, खा लिया आप, पी भी लिया, जूस पी लिया, अब आपने क्या खाना है? अगर आप मंसूराबाद की तरफ से आते हैं तो जो मंसूराबाद का मेन बाज़ार है उसके आखिर के ऊपर बाएं हाथ के ऊपर इनकी शॉप, और अगर आप किनार रोड की तरफ से आते हैं तो जो इनकी शॉप है बिल्कुल शुरू में ही बाएं हाथ पे आपको मिलेगी। तो शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम इधर आ गए, इधर आए नहीं इधर लाए गए हैं, इधर हम लाए गए हैं, समझ जाएं आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। आप तो मुझे कह रहे थे बाबा मुझे जल्दी जल्दी घर ले जाओ, मुझे तो नींद आ रही है, यही कह रहे थे ना आप? लाइटिंग बड़ी पीली पीली है, जगह भी इनकी इतनी बड़ी नहीं है, कंजस्टेड सी है, मगर इनका टेस्ट है वो बहुत मुख्तलिफ है, बहुत अच्छा है। अच्छा जी ये है वो शाहकार जिसका हमें इंतज़ार था, चेक करें क्या ज़बरदस्त क्रंच है ऊपर,
और चीज़ भी बहुत ज़्यादा डाल के देते हैं ये, ऊपर थोड़ी सी केचप डालें और खाएं क्या टेस्ट है इसका। तो हम लगे हैं खाने, तो आप लोग भी जो है ना वो कभी ट्राई करें और फिर हमें कमेंट में बताइएगा कि हमने जो आपको बताया है क्या वाकई इतना मज़े का है या शायद हमें लगता है। ये देखें केड़ी ये खगा है, इको कमी होती है। अच्छा, ये इको कमी होती है, इतने जिल्द होती है स्किन, चाना नहीं होता, इतने उत्ते चाना होता। ऐ हो जाएगा पा के दो एक 700 ग्राम वड्डा दाना केड़ा यार इचो सारी करके रहेंगे। अच्छा जी, हमने 2 किलो फिश ली है रोहू, बगैर स्किन के फ्राई करके खाने का डिफरेंट टेस्ट होता है। अब सिर्फ घर जाना बाकी है।